स्टार्ट करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व, दो कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक्चुअल में पढ़ने का मतलब भी, टेंजेंट डायगोनल पढ़ने का बस यही मतलब है कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना आ जाए दो कर्व के बीच में, जो कि जेई मेंस या जेई एडवांस के पर्पस से सबसे यूजफुल है। दूसरा आपको पढ़ना, आपको दूसरा आ जाए क्या करना कि सब टेंजेंट, सब नॉर्मल और लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल का डिस्टेंस निकालना आ जाए, अगर ये दो चीजें आपको ढंग से एक अच्छे तरीके से। और तीसरा एंगल बिटवीन टू कर्व, एंगल बिटवीन टू कर्व और उसमें ऑर्थोगोनैलिटी के कॉन्सेप्ट, यानी दो कर्व ऑर्थोगोनल हो तो वो वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको आने लगा, सिर्फ तीन कॉन्सेप्ट अगर टेंजेंट और नॉर्मल में ठीक से आ गया तो नियरली आपके जेई मेंस के सवाल इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। बाकी तो कभी भटक भुला भटका पीछे से आ जाता है या कभी भुला भटका आगे से आ जाता है, इन तीनों के अलावा। तो ये तीन चीज अपने को जानना चाहिए। जैसे कि अभी जरा बात कर, जैसे कि दो कर्व है, जैसे मान लो कि ये कर्व है और एक ये कर्व है, तो कोई पूछेगा कि इनके बीच में सबसे नजदीक सबसे कम डिस्टेंस वाली दूरी कौन है। तो देखो, एक हम लाइन यहां खींचेंगे, एक लाइन यहां खींचेंगे, जहां पे कर्व दोनों कर्व के बीच में एक दोनों कर्व के टेंजेंट जहां पे पैरेलल हो जाए, टेंजेंट जहां पैरेलल हुए तो वहां पे उनके ही बीच की डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। कब हो जाएगी कि कोई भी दो कर्व है अगर आपका उनके कोई भी दो कर्व के टेंजेंट पैरेलल हो गई तो उनके बीच की डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। मतलब क्या, पहला पॉइंट कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टेंजेंट, इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टेंजेंट। कोई भी दो टेंजेंट पैरेलल हो गई उन पे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा पहला। या अगर ऐसा रहेगा तो हम इनको ये भी कहते हैं कि कर्व्स आर क्लोज्ड या कर्व्स आर क्लोज्ड, ये भी इनका एक और नाम होती है कि कर्व्स आर क्लोज्ड। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक है, करीब है उसी पॉइंट पे, ठीक है, जहां पे पैरेलल टेंजेंट है। दूसरा कि अगर एक लाइन और एक लाइन हो और एक टेंजेंट, उनके बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो यही होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड कर्व, लाइन और कर्व के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इज पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पैरेलल टू टेंजेंट। इस लाइन के डिस्टेंस बिटवीन उल्टा लिखता हूं, टेंजेंट पैरेलल टू लाइन। इस लाइन के पैरेलल जो कोई टेंजेंट होगी उस क्या, जैसे मान लो ऐसे मैं कहूं, जैसे अपने पास एग्जांपल लिखो, देखो अपने पास एक सर्कल है और एक ये लाइन है, इनके बीच का सबसे मिनिमम डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो इसके लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट खींचो और जो ये टेंजेंट है इनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगी। बात समझ आ रही है? तो एक लाइन और एक पैरेलल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो कुछ ऐसे होती है। तीसरे पॉइंट पे अगर बात किया जाए तो टू कैलकुलेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यूज क्या यूज करना है भाई अपने को, dy/dx(1) = dy/dx(2), ठीक है। कर्व वन और कर्व टू का दोनों का dy/dx निकालो, बराबर कर दो, इससे आपका पॉइंट मिल जाएगा, वही पॉइंट मिलने के बाद उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है, बस पर्पज यही है, यही तीन काम करना है। मतलब देखो, दो कर्व अपने एक दूसरे के सबसे नजदीक या क्लोज कब कहलाती है, जब उनके दोनों कर्व पे पैरेलल टेंजेंट खींची जा सकते हैं। लाइन और कर्व के बीच में आपका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस क्या हो सकता है, तो लाइन और
जो भी कर्व है उसके ऊपर एक पैरेलल एक टेंजेंट खींची जाए जो कि पैरेलल टू लाइन हो जाए, उस केस में आपका बन जाता है ये तब आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आता है। बात समझ आ रही है? तो नेक्स्ट पॉइंट पे अपने पास ये, अच्छा जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात जब जब करेगा तब तब हम क्या करेंगे, दोनों कर्व को डिफ्रेंशिएट करके इक्वेट करके पॉइंट निकालेंगे। जैसे सवाल के थ्रू आते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं। मजबूत तभी होगा जब सवाल करना हमको आएगा। जैसे सवाल करते हैं, जैसे कह रहे हैं बैंक ऑफ टू रिवर, जैसे मैं मान लो लिख रहा हूं कि बैंक ऑफ टू रिवर, तो बैंक ऑफ टू रिवर इन विच वन इज पैराबोलिक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड अदर इज स्ट्रेट लाइन आपका है y इक्वल टू कुछ आपका मान लो x माइनस टू, देन एंड अ कैनाल इज टू बी मेड फॉर ज्वाइन बोथ रिवर देन फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ कैनाल। कि ऐसा सबसे छोटी लेंथ क्या हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि दो नदियां हैं, एक नदी जो है, देखो कहने का मतलब यह है कि एक नदी कुछ ऐसे जा रही है और एक नदी कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है। अपने पास दो नदी है, एक नदी का जो है कि किनारा जो है, एक नदी का किनारा पैराबोलिक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का, और एक नदी का जो किनारा है वो एक स्ट्रेट लाइन है। अब इन दोनों नदी को सरकार चाहती है कि दोनों नदी को एक नहर के थ्रू जोड़ दे। ऐसा हो सकता है कि एक नदी में पानी ना हो और एक नदी में पानी हो, तो दोनों में पानी पहुंचाया जाए, बाकी लोगों की मदद की जाए, इसलिए या यहां से यहां तक इसलिए जोड़ना चाहता हूं कि बीच के पार्ट को ये पानी देना चाहता हूं सरकार। तो सरकार चाहती है कि दोनों को पानी दिया जाए, तो किसानों की बहुत बड़ी भारी समस्या है, पर इसको देखा जाए कैसे सुलझाते हैं वो लोग। हम थोड़ी सी मदद कर दे रहे हैं सरकार की, अब इसको किया जाए। लेकिन सरकार ये भी चाहती है कि हमारी लागत सबसे कम लगे। सरकार ये चाहती है कि ऐसा हम काम करें कि लागत सबसे कम लगे। लागत कम लगे मतलब हमें खुदाई सबसे कम करवानी पड़े, खुदाई कम करवानी पड़े मतलब हम ऐसे रास्ते से जाएं जो सबसे जल्दी पहुंच जाए, और जल्दी पहुंचने का मतलब हमको इनके बीच में सबसे मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसी के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन, एक इसी के पैरेलल एक टेंजेंट खींची जा सके किसी भी तरीके से। अगर इसी के पैरेलल एक टेंजेंट खींची जा सके तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये इनके बीच में जो ये वाली डिस्टेंस जाएगी वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। अरे बात समझ में कि नहीं? तो अब देखो, अगर इसको हम कर्व वन माने और इसको कर्व टू माने, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कर्व वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कर्व टू, यही हमको यूज करना है, ठीक है। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कर्व वन निकाला जाए, कर्व वन निकाला जाए, तो अपना कर्व वन जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कर्व वन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये है y इक्वल टू एक्स माइनस टू। अरे जरा बताओ इसका dy वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, यही कर्व वन है तो ये कर्व वन हो गया 2x के बराबर हो गया। अच्छा dy वाई बाई डी एक्स कर्व टू कितना हो गया, तो अपने पास जो कर्व टू है c2 वो है y इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो dy वाई बाई डी एक्स ऑफ कर्व टू कितना हो गया 1। अरे बात समझ में, ये कर्व टू हो गया 1, कर्व टू हो गया। अब क्या कहा है अपने से सवाल में, कहा है कि भाई दोनों को इक्वेट कर देना। देखो यहां पे आते हैं, बाकी सवाल में हटा देता हूं कि आपने सवाल नोट कर लिया होगा इसलिए मैंने सवाल हटा दिया। अब दोनों को नोट इक्वेट कर लेते हैं, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि dy वाई बाई डी एक्स ऑफ कर्व वन एंड इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कर्व टू। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा कितना 2x बराबर, 2x बराबर कितना हो जाएगा वहां पे देखो 1 आ गया। x बराबर कितना हो गया बच्चों 1/2, x बराबर 1/2 हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? x बराबर तो 1/2 हो गया। अच्छा
ये x बराबर 1 बाई 2 हो गया, तो y बराबर, अगर x बराबर 1 बाई 2 पुट करेंगे तो y बराबर कितना होगा, ये y बराबर यहाँ वाला पॉइंट हम निकालना चाहते हैं, यहाँ वाला पॉइंट निकालना चाहते हैं। तो अगर हमने x बराबर 1 बाई 2, देखो इसके लिए x बराबर 1 बाई 2 ले लिया, तो y बराबर कितना मिल गया, यहाँ पे जरा चेक करो, तो यहाँ वाला x बराबर 1 बाई 2 है, यहाँ पे x बराबर 1 बाई 2 है, तो y बराबर आपका हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो तो बच्चों क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 1/4। तो क्या हो गया पॉइंट, क्या हो गया पॉइंट ऑन पैराबोला, क्या हो गया क्लियरली, देखो पैराबोला पे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ये हो गया 1/2, 1/4, ठीक है ना, 1/2, 1/4, ये आपका आ गया। therefore आपका shortest distance कितना हो गया था, इनके बीच में distance by parallel perpendicular distance निकालना है, क्या करना है perpendicular distance निकालना है, तो shortest distance और हम इतना coordinate से पढ़े हुए हैं कि perpendicular distance के लिए या तो ये भी कर सकते हैं, ये 1/4 आ गया, और एक यहाँ का भी point चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं निकाल रहे, direct perpendicular distance का formula use कर ले रहे हैं। क्या हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, आपका किसी भी लाइन पे देखो उठा कर रखो, ये हो जाएगा आपका, ये एक्चुअल में इक्वेशन है लाइन की, एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो क्या हो गया यहां से, x के जगह पे आपका हो गया 1/2 - 1/4 - 2/√1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, मॉडुलस बंद हो गया, यहां से आपका आ गया, ये पूरा एलसीएम ले लिया हमने 4/√2, ओपन में आया 2 - 1 - 8, 8 और 1 9, तो ये हो गया 7/√2, यही आपका आंसर हो गया मिनिमम डिस्टेंस। बोलो बात समझ में आई बच्चों, ये 4√2 आपका मिनिमम डिस्टेंस हो गया। अब बाकी एक और सवाल करेंगे तो अपना जो है दिमाग एकदम बिल्कुल और भी ओपन हो जाएगा और एक्सप्लोर हो जाएगा। मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या करना है, आपका dy / dx दोनों का अलग अलग निकाल लेना है, ठीक है। तो चलो आप चलो जल्दी से सेकंड सवाल पे बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन आप लिखेंगे। A helicopter is flying along the given curve y - x^3/2 = 7, where x > r = 0. A soldier is positioned at (0.7) to shoot the helicopter when it is nearest to him, यानी जब एक ही जेई मेंस का सवाल है 2019 का ही भाई, उसी का सवाल है, कह रहा है कि एक हेलीकॉप्टर है जो कि एक इस कर्व के अलोंग उड़ रहा है, जिसमें x > r = 0। मैंने बार बार कहा है कि जब IIT का सवाल हो तो यहाँ वाली बात सबसे इम्पोर्टेंट खास होती है बहुत। फिर कह रहा है कि ए सोल्जर, एक जो है सैनिक है, घात लगाए बैठा है, घात मतलब समझ रहे हो ना अपना, वो एकदम कहीं इस्तेमाल से बंदूक लेके और निशाना पे भिड़ा हुआ बैठा हुआ है, और वो इस हेलीकॉप्टर को मारना चाहता है, लेकिन वो अपना एनर्जी और अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है, और वो मिस फायर भी नहीं करना चाहता है, तो उस समय शूट करना चाहता है जब वो हेलीकॉप्टर उड़ते उड़ते उसके बिल्कुल पास में आ जाए, यानी सबसे करीब आया, क्योंकि अगर उड़ रहा होगा ऐसे ऐसे जा रहा होगा, ऐसे किसी कर्व के लगा ऐसे होता, ऐसे कुछ उड़ेगा, तो एक बार जब उसके एकदम पास में जब आएगा उस समय वो उसको मारना चाहता होगा। तो फिर बोल रहा है कि देन फाइंड नियरेस्ट डिस्टेंस, कितना उसका वो सबसे नजदीक दूरी, कितना उसको मारना पड़ेगा, कितना उसको छोड़ना पड़ेगा, नियरेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, यही अपने से बोल रहा है। तो अगर हम इस सवाल को थोड़ा सा अगर इसका ग्राफ बनाए, तो मैं कह रहा हूं कि मान लो कि इसके अलोंग ये चल रहा है, इसके अलोंग चल रहा है, ये कोई पॉइंट है अपने पास, ये कोई पॉइंट है 1/2, 7, जहां पे सोल्जर एस आपका घात लगाए बैठा हुआ है। अब यहां से इसको शूट करेगा, सबसे नजदीक डिस्टेंस वो होगी जो इसके जो जो आपका यहाँ पे टेंजेंट जो इसके पर जो मतलब यहां से जो ये नॉर्मल हो जाएगा, मैं ऐसे कहूं कि ये नॉर्मल हो जाए किस पे, टेंजेंट पे अगर ये जो नॉर्मल हो जाए उस केस में ये सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस पे जाएगा। मैंने मान लिया इसका पॉइंट, मैं थोड़ी देर के लिए मान लिया कि अल्फा कामा बीटा है,
तो अल्फा कामा बीटा, चूंकि अगर मैं अल्फा कामा बीटा निकाल दूं तो ये वाली डिस्टेंस निकल जाएगी, यही डिस्टेंस जो होगी ये वाली डिस्टेंस, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, यही डिस्टेंस अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। और मैं कहूं कि अल्फा कामा बीटा आपका किस पे लाई कर रहा है, लाई ऑन कर्व, कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा आपका x की पावर 3/2 = 7 को सेटिस्फाई करेगा, मतलब बीटा माइनस अल्फा की पावर 3/2 = 7 इसको ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, इसको ये सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। फिर अगर ये इसको सेटिस्फाई किया तो फिर क्या कर सकते हैं भाई, लेकिन अपने पास अगर हम dy by dx निकाल लें अल्फा कामा बीटा पे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, फिर इक्वेशन लिख सकते हैं और अपने थोड़ा सा काम बन सकता है। तो पहले हम dy by dx निकालते हैं, dy by dx ऑफ कर्व निकालते हैं, देखो ये जो भी कर्व है हेलीकॉप्टर का, क्योंकि हम स्लोप ऑफ, इसका मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकालने जा रहे हैं। और ये कितना हो जाएगा जरा देखो, तो dy by dx, इसको डिफरेंशिएट किया dy by dx माइनस 3/2 x की पावर 1/2, घटाएंगे 3/2 - 1/2 हो जाएगा इक्वल टू 7, तो dy by dx एट अल्फा कामा बीटा ये बन जाएगा आपका 3/2 α_√α, ठीक है, इतना अपने पास आ गया है। अब ये सवाल और कह रहा है कि भाई अच्छा ये चीज अपने पास ये अल्फा कमा बीटा पे स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अगर हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना होगा तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हैं, या हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया, जरा आपने को सॉल्व करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया, -1/dy/dx @α/β, क्या हो जाएगा अल्फा कामा बीटा पे, ये आपका हो गया आपका -2/3√α। अब ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो गया भाई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासेस एट किस पॉइंट से पास करने वाला नॉर्मल, ये 1/2 - 7 से, तो ये हो जाएगा आपका पासेस 1/2 - 7, कितना हो जाएगा बोलो बच्चों, कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया कि y -7 = -2/3√α(x−1/2), ये आ गया, ये तो नॉर्मल हो गया, मतलब क्या नॉर्मल हुआ आपका, y -7 = -2/3√α, ये 2 नहीं है अल्फा है, फिर यहाँ पे x-1/2 हो गया, ये कहां से पास कर रहा है आप ध्यान से देखो, तो नॉर्मल कहां से पास कर रहा है, अल्फा कामा बीटा से पास कर रहा है। बहुत ही आसान सवाल है, आपके सामने दिख रहा होगा, जरा सा मैं चौक ले लेता हूँ भाई, अगर ये अल्फा कामा बीटा से पास कर रहा है तो इसके बाद से क्या हो गया, ये वाई माइनस, अच्छा इसको क्रॉस, अच्छा तो इसको लिख सकता हूं क्या मैं, β-7 = -2/3√α(α−1/2), इतना मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अच्छा एक तो ये हो गया, एक बीटा की वैल्यू देखा जाए तो बीटा की वैल्यू वहां से है, यहां से बीटा की वैल्यू कितनी आई हुई है जरा देखो तो बच्चों, क्या ये 7 + α/3/2 के बराबर आई है क्या, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, बीटा के जगह पे 7 + α/3/2 - 7 = -2/3√α(α−1/2), कितना हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, रूट ये 3 है, 3√ आपका अल्फा आके मल्टीप्लाई हुआ तो 3α³ बन गया, आई थिंक 3α³, आप जरा मल्टीप्लाई करके देखना, क्योंकि ये अल्फा क्यूब का रूट लिखा है, ये रूट लिखा है, तो आपका एक बार हम आपको समय दिखा देते हैं, अल्फा क्यूब नहीं बनेगा, ये हो जाएगा 3α³ + 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू -2α - 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा 3α⁴/2α² बन जाएगा, सॉरी हाँ -2α + 1, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, 3α² - 2α - 1 = 0, यहां से 3α - 1 एक फैक्टर होगा, α+1 एक फैक्टर होगा, इज इक्वल टू 0, जरा एक बार चेक कर लें कि क्या हमारा सही आया क्या, देखो ये प्लस 3α, ये माइनस नहीं उल्टा आ गया, 3α+1 और ये -1, एक बार फिर चेक करो, -3α + α - 2α, फिर -1, सब सही है, अल्फा की वैल्यू -1/3 और अल्फा की वैल्यू आपका 1, क्या अल्फा की वैल्यू -1/3, थोड़ी सॉरी मेरे से उल्टा हुआ, यहाँ प्लस हो जाएगा, हाँ हाँ
ये प्लस हुआ तो इस बार ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा। अच्छा 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 अच्छा, अल्फा की वैल्यू 1/3 एंड अल्फा की वैल्यू -1, क्योंकि ये अल्फा मतलब क्या है अपने पास, यहाँ का x कोऑर्डिनेट है क्या, अल्फा का मतलब यहाँ का x कोऑर्डिनेट है, मतलब x की वैल्यू आ गई आपका 1/3 और x की वैल्यू आ गई आपका -1। सवाल में कह रखा है कि x शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब आपका ये वाली वैल्यू डिस्कार्ड कर दी जाएगी, x की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो y इक्वल टू यानी बीटा अल्फा बराबर 1/3 लिया जाएगा, तो बीटा बराबर है आपका अल्फा की पावर 3/2 माइनस 3/2 + 7, तो बीटा इक्वल टू मतलब कितना 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 1/3 का ये हो जाएगा 1/3 का क्यूब फिर +7, बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, बहुत गंदा सा आ रहा है जो भी आ रहा है, ये आ रहा है 1/3√3, जो भी आ रहा है ये लिखा है 1/3√3 + 7, तो डिस्टेंस कितना हो गया, मैं पीछे उधर करता हूं डिस्टेंस उसमें कर लेता हूं, देखो यहां पे डिस्टेंस कितना हो गया, अल्फा बीटा मिल चुका है अपने पास, क्या मिल चुका है, एक पॉइंट अल्फा कामा बीटा मिल चुका है, अल्फा कामा बीटा मिल चुका है कितना 1/3√3 + 7, ठीक है ना, और एक मिल चुका है आपका एक पॉइंट गिवेन है पहले से 1/2 - 7, जहां पे कि सैनिक बैठा हुआ था, अब इनके बीच का डिस्टेंस d इज इक्वल टू जाएगा अंडर रूट में 1/3 - 1/2 + 7 - 1/3√3 - 7 2, ये तो इससे कट गया, अच्छा इसीलिए इतना बढ़िया दे रखा था। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे हो गया आपका ये -2 और यहाँ पे मतलब एलसीएम 6 लिया तो 2 - 3 - 1/36 माइनस ये कितना 1/27, ठीक है ना, स्क्वायरिंग किया तो, और ये आपका टोटल का एलसीएम कितना हो गया, कुछ तो बनेगा एलसीएम, नीचे से शायद 9 कॉमन हो रहा है, तो 1/3 कॉमन कर लिया, एलसीएम के लिए क्यों झंझट लिया, तो 9 कॉमन किया तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 और ये 4 और 3 1/3, ये भी आपका देखो तो 3 - 4 निगेटिव आ गया क्या जी, नेगेटिव सॉरी प्लस है, ये प्लस है, ये इतना भयंकर गलती हो रही है, 4 और 3 = 7, तो 7/√12, √12 को भी ये निकल गया 7/√6√3, ये आपका आंसर हो गया, देख लेना, हो सकता है आंसर में कहीं से गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन आप लोग कुछ सब कुल मिला के ऐसे ही बनेगा, बात समझ में आ रही है, ये तब हो गया उस केस में हो गया जब आपका ये उस केस में हो गया जब आपका ये एक मतलब एक पॉइंट पता हो और किसी 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 कर्व के बीच का आपका डिस्टेंस निकालना हुआ, बात समझ में आ रही है। अगले सवाल पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट के, फटाफट एक और सवाल कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, इसको भी मैं हटा देता हूं फिलहाल में, और बाकी उधर का देखा जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो हटाएंगे, और देखो सवाल देखो अगला, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच का, xy = 9 एंड x² + y² = 1, ठीक है, ये दो कर्व है इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये फटाफट ग्राफ बनाएंगे, अगर हमको ग्राफ बनाना आता है तो xy = 9 का ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, xy = x² ग्राफ ऐसे बन जाएगा, x² + y² = 1 का ग्राफ ऐसे बन जाएगा, क्योंकि ये सर्कल है पासिंग थ्रू हाइविंग सेंटर एट ओरिजिन है, ये xy = 9 है, ठीक है ना, बढ़िया, तीन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो ये हो सकता है, ये हो सकता है पैरेलल डिस्टेंस, तो क्या करेंगे अब यहाँ पे, क्या करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपका यहाँ भी देखो दोनों का डिस्टेंस बराबर आएगा भाई, चाहे ये वाला डिस्टेंस हो चाहे ये वाला डिस्टेंस हो, सिमेट्री की वजह से बराबर आएगा, ठीक है, अपने को dy/dx(1) = dy/dx(2), ठीक है, तो अपने पास अगर हम कहें कि कर्व 1 है xy = 9, तो इसको देखो xdy/dx(1) + y = 0, तो dy/dx(1) = -y/x, ठीक है ना, अच्छा
कर्व टू अगर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, तो ये हो गया 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कर्व 2 इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहां पे आ गई कर्व 2 की माइनस एक्स बाई वाई। क्या कह रहा है सवाल कि बराबर करना है, क्या करना है भाई अपने को, डी वाई बाई डी एक्स आपका दोनों का बराबर करना है। इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना आया देखो, माइनस वाई बाई एक्स आया हुआ है, इसका माइनस एक्स बाई वाई आया हुआ है, ये दोनों कट गया। वाई स्क्वायर बराबर आपका कितना आ गया, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, यहां से वाई की दो वैल्यू प्लस माइनस एक्स, यानी वाई की एक प्लस एक्स वैल्यू आई और एक वाई माइनस एक्स आई। वाई की प्लस एक्स वाली से इधर हम वैल्यू निकालेंगे। अब जरा देखो हमको दोनों जगह की वैल्यू निकालना है, पॉइंट कर्व वन की भी और कर्व टू की भी। अगर हम कर्व वन देखें, कर्व वन देखें सी वन, तो ये है एक्स इंटू वाई बराबर नाइन, यानी x के जगह पे x, y के जगह पे x बराबर 9, x स्क्वायर बराबर 9, x बराबर आपका हो गया प्लस माइनस 3। शांत रहना थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे y x y बराबर अभी भी कर्व 1 की हम बात कर रहे हैं, x इंटू वाई बराबर 9, x इंटू माइनस एक्स बराबर 9, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9, नॉट पॉसिबल। मतलब ये y बराबर माइनस एक्स तो कभी हो ही नहीं सकता, y बराबर माइनस एक्स तो कभी हो ही नहीं सकता। y बराबर x बराबर प्लस माइनस 3, तो x बराबर जब प्लस माइनस 3 है तो x बराबर 3 लूंगा तो ये इंप्लाई करेगा y बराबर 3, x बराबर माइनस 3 लूंगा, देखो माइनस 3 लूंगा तो y बराबर इंप्लाई करेगा माइनस 3। कहने का मतलब ये है कि पॉइंट क्या आया, 3, 3 या माइनस 3, -3 किस पे, ऑन कर्व 1, ये कर्व सी 1 पे आया, मतलब इस पे ये वाला पॉइंट 3, 3 होगा, या देखो सिमेट्री से मैंने कहा था -3, -3 होगा। आ रही बात समझ में। अब जरा कर्व 2 पे भी पॉइंट अपने को निकालना है, तो फटाफट कर्व 2 का पॉइंट निकाल लेते हैं। अभी भी टेंजेंट तो वही है, पैरेलल टेंजेंट, यानी आपका कंडीशन तो अभी भी स्टिल वही है कि वाई बराबर एक्स से, अब वाई बराबर माइनस एक्स मना कर चुके हैं तो इसको नहीं लेके चलेंगे। फॉर कर्व 2 सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर इसको भी लेके चलते तो आंसर वही आता, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है ना सबके अलाउंग। तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से पता चला कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2, यहां से पता चला एक्स बराबर प्लस माइनस 1/√2, मतलब एक्स बाय एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 2 हो गया, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 आ गई, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 2 आ गया, तो अब वाई की वैल्यू कितनी आ गई, अगर एक्स इक्वल टू 1/√2 मैंने लिया तो वाई की वैल्यू इसमें रख के देखो, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 - x² मतलब 1 - 1/2 बराबर 1/2, मतलब वाई बराबर फिर से वही 1/√2, प्लस माइनस रूट 2 दोनों ले सकते हैं, और यही आप समझो कि एक्स बराबर -1/√2 लेंगे तो भी वाई बराबर प्लस माइनस 1/√2 ही आएगा। मतलब क्या पॉइंट आया कि 1/√2, क्या पॉइंट आया, 1/√2, 1/√2, या आपका -1/√2, -1/√2, ठीक है ना, ये वाली जगह आ गई, ये वाली जगह आ गई 1/√2, 1/√2, इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो ये कि ये पॉइंट है, एक 3, 3 पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई भाई, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर निकाल लेना बाकी 3 - 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1/√2 का होल स्क्वायर, आंसर हो गया 3 - 1/√2 × √2, 3√2 - 1 आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है, 3√2 - 1 आंसर हो गया, क्या आंसर हो गया, 3√2 - 1 इज द आंसर। आई बात समझ में। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की तरीका यही रहेगा, dy by dx आप कर्व 1 और dy by dx आप कर्व 2, यही दोनों यूज करेंगे और अपने सवाल का आंसर ले आ देंगे, बिल्कुल आ जाएगा। ये चीजें अपने को सीखनी है, यही चीजें को एक IIT का भी सवाल करा दिया, दो अपने मन से भी करा दिया, सब तरह के सवाल जब भी आएंगे यही काम एक ही करना है, फंडा एक ही करना है। बात समझ आ रही है। अब हम जरा आगे पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू कर्व, आप थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं एंगल बिटवीन टू कर्व।